जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर में कलह, झगड़े, निराशा और दरिद्रता अपने पैर पसारने लगते हैं। आपके घर में भी दुख, दरिद्र और क्लेश फैला हुआ है तो आपको हम त्रिपाठी टीवी चैनल माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके घर से दुख, दरिद्रता और क्लेश बिल्कुल ही भाग जाएगा और आपके घरों में आने वाले 7 वर्षों तक धनों की बरसात नहीं रुकने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे त्रिपाठी टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। त्रिपाठी टीवी चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है उसके घर में इसी प्रकार से धन की बरसात होने लगती है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और शक्तिपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आज हम 7 उपाय जानेंगे, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर आपके घर में बार बार धन हानि या धन की कमी हो रही है तो गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर उसके ऊपर घी का 2 मुख वाला दीपक जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर दीपक के सामने मन ही मन में यह प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो। दीपक शांत हो जाए तो उसे किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। गुरुवार का दिन इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा घर की स्त्री को लक्ष्मी की उपाधि दी गई है और जिस घर में महिला का मान सम्मान होता है ऐसी मान्यता है कि उस घर में स्वयं लक्ष्मी माँ विराजमान होती हैं। वहीं अगर जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर में कलह, झगड़े, निराशा और दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। आपके घर में भी दुख, दरिद्र और क्लेश फैला हुआ है और इनसे उबरना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए 7 उपाय करें, इससे आपके घर में धन की वर्षा जरूर होगी। प्रथम नंबर पर आता है सुक्ति का पाठ। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध हो जाएं, सफेद कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके सामने सुक्ति का पाठ करें और माता के चरणों में कमल का पुष्प या कोई सा भी पुष्प अर्पित कर दें। जैसा कि आपको हमने बताया, 2 मुख वाला दीपक जलाएं। अगर आपके घर में बार बार धन हानि या धन की कमी हो रही है तो शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर उसके ऊपर घी का 2 मुख वाला दीपक जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर दीपक के सामने मन ही मन यह प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। दीपक शांत हो जाए तो उसे किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। मीठा दही निकालकर खाएं। जब भी आप सुबह के समय अपने काम के लिए घर से निकल रहे हैं या तो आप अगर गृहिणी हैं और आपके परिवार से कोई काम के लिए निकल रहा है तो ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा मीठा दही निकालकर उस व्यक्ति को जरूर खिलाएं, या फिर अगर आप काम पे जा रहे हैं तो मीठा दही खाकर जरूर जाएं। इससे आपके काम में सफलता जरूर मिलेगी और आपके घरों में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। अगर हमेशा आपको घर में पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है तो शुक्रवार के दिन अपने बेडरूम में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। इससे भी बहुत ही लाभ मिलेगा और आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। स्थायी सुख समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ की छांव में खड़े होकर लोहे के एक पात्र में जल, शक्कर, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ चींटियों को शक्कर भी डालें। अगर आपके काम में अवरोध आ रहे हैं
और वह पूरे नहीं हो रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालने से भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ माता लक्ष्मी माँ को यह चीज़ें चढ़ाएं, जैसे कि देवी लक्ष्मी माँ को शंख, कौड़ी, कमल का पुष्प, मखाने और बतासे अति प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इन चीज़ों को चढ़ाएं, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिलहाल आप इतना कर करके देखिए और घर में शांति मचाए रहिए। इससे आपके परिवार में धन रहे या ना रहे, आपको सुख शांति अवश्य मिलेगी। अगर आप त्रिपाठी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलता हूँ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।